करने के लिए। क्या करने क्या आए थे आप? मैं काम करने आए थे, मैं काम करते हैं लोगों के घर में, वही काम करने खातिर मैं निकले थे। तो यहाँ पर कहाँ पर पकड़ा था? मैं उधर उधर वही जी मैं खड़े थे। अच्छा। मैं खड़े होके ऐसे ऐसे देख रहे थे यार, सब कोई के दरवाजा मैंने कोई आंटी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ आंटी है लड्डू, कहाँ आंटी है? तो आंटी तो दिखाई नहीं दे रही है। कितने बजे का टाइम था? मैं 7 बज रहा था। 7 बज रहा था। 7 बजे कोई भी नहीं था, कोई नहीं, सारे दरवाजे दुकान बंद था। एक दुकान वो खुला था, वो जो नहीं ना वो खुला था, इन्हें सारे दुकान अभी बंद थे। आप वहाँ से मैं खड़े होते होते इधर आया। देख सकते हैं कार्रवाई जो है पुलिस यहाँ पर कर रही है। पुलिस जो है अभी मौके पर यहाँ पर पहुँची है और अभी कार्रवाई हो रही है। ऑटो कहाँ पे लगा हुआ था? वहाँ पर ऑटो वहाँ पर लगा। तो यहाँ से उठा के लिया या कैसे लिया? यहाँ से दबोच दिया, मेरा को दबोच के आगे से दिया। कितने लोग थे? लोग के मैं जब इधर पिनाया ना, मैं देखा उधर गाड़ी तक खड़े हैं, वो बुरा कवर किए थे लड़का, ऐसे ये चीज मास्क लगाया था, ये चीज भी पहना था, एक टोपी भी पहना था काला। मैं बोला यार कोई बैठा है अपना काम के लिए, मेरा क्या पता था कि यही काम करेगा। फिर भी कितने लोग कितने लोग लोग मेरे के इतने दूर ऐसे ही देख रहे हैं, तब ले मेरे को पहना दिया, कपड़े बिक दिया। यहाँ पर कैमरा भी देख सकते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई जो है यहाँ पर कर रही है, और पुलिस कार्रवाई करके यहाँ पर देख रही है कि कैमरा है यहाँ पर कि नहीं, ताकि जो है कैमरे के ज़रिए भी पता चले कि हुआ क्या था। देखिए पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो है अपना यहाँ पर पूरी चीज़ें आप देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पर मतलब आपको दबोचा, यहाँ पर कितने लोग लग कितने लोग रहे थे? जब वो ओपन आया ना तो आगे पीछे से आया है लड़के, मेरा बाजू पकड़े है, दबोचे, लेकिन मैं नहीं देखा कौन लड़का है। ये जब बोला है लड़के ना कि चल अब दिखाते हैं कोर्ट, हम यही बोला, मैं बोला मोया तू छोड़ूंगे नहीं, तू जितना मर्जी जोर लगा ले जी के, हम यही बात बोल के फिर मैं चुप हो गई। अच्छा, आपको पता लगा आवाज से? आवाज से पता कर लिया। हाँ, आवाज से पता। तो फिर ऑटो में लेकर कहाँ गए? अब ये नहीं पता है किधर गए। तो देख सकते हैं अभी पुलिस की कार्रवाई, कि पुलिस जो है अभी मौके पर आई है और जो है जो इन्होंने कंप्लेन की है उस कंप्लेन के ऊपर कि कंप्लेन कितनी सही है या कितनी गलत, क्योंकि पुलिस जो है वो सही तरीके से जो है काम करती है, पूरी चीज़ों को तथ्यों को देखकर जो है काम करती है। तो मौके पर अभी देख सकते हैं आप कि मोहम्मद हनीफ जो है यहाँ पर हैं और इकबाल साहब यहाँ पर हैं जो इसकी जो है कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल से ही आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो है मीडिया के अंदर भी जो है यहाँ पर बातचीत की हो जा रही है कि यहाँ पर जो है महिला को यहाँ से उठाकर जो है तवी में जो है डाला हुआ है। तो देख सकते हैं अभी जो है काम वो कर रहे हैं और महिला को यहाँ से लिया, और उसके बाद जो फिर आप बेहोश हो गए थे या होश में थे? ना, हमारा होश नहीं था, मैं आगे मेरा आगे बीमार थे, मैं आगे ठीक नहीं था, मैं चला नहीं जाता था, मैं जबरदस्ती में घर से निकले थे काम करने। अच्छा।
अच्छा। हाँ तबीयत ठीक नहीं था तो फिर अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा। अभी भी देखो इतने बोला था मैंने बुझा था कि तो पुलिस कार्रवाई अभी कर हाँ कर रही है, उठा के लाए हैं लड़के के। कहाँ से आपको वहाँ से किसने उठाया फिर तभी में किसने फेंका? उन्होंने बांध के फेंका। हाँ वो बांध के फेंका उधर ही। तो होश आया उधर? कब होश आया? होश का आया, होश था ऐसे में लेटे हैं पूरा दिन धूप में मिल लेते हैं पूरे दिन। हाँ तो घर पे पता था आप इनके पति? आपको आपको पता नहीं था? आपने खोजा? हमने हमने सोचा कि ये काम पे गई है, शाम तक लौट जाते थे, कल 8 बजे तो लौटी नहीं है। फिर हमने ऐसे फोन सोन 2 बजे से ही कर रहे थे, पूछ रहे थे कि उधर काम, तो सभी काम वाले बोले कि नहीं ये काम पे आज आई नहीं। फिर हमने सोचा फिर देखते हैं शाम तक टाइम, इसका 5 बजे तक आ जाना घर पे, 5-6 बजे तक। फिर 5-6 बजे तक आई नहीं तो हमने सोचा कि फिर देखते हैं फिर निकलते हैं। अब मैं काम से आकर फिर नहा धोकर फिर इसको मैं जा रहा था इनके घर पे, आता फिर जिधर जिधर ये जाती है पूछता, तब तक ये आंख बंद हुए बेहोश की हालत में ऐसे ही ये नीचे जहाँ से ये खुद ही आए। हाँ उन्होंने तो बांध दिया था आपको हाथ पांव? हाँ तो खोला ना है उधर उधर कूड़े वाला खोला है मेरा, कूड़े वाला जिन चुनते हैं कूड़े गली गली। अच्छा ओ थे लो उन्होंने खोला? हाँ तो फिर आप आए? हाँ तो आप तब तक खोज रहे थे? हाँ मैं को ढूंढ रहा था, फोन भी किया हूँ जिसे जिसे काम करते हैं उनके उनके घर में, बोलते सुबह से आए नहीं हमारी रोटी नहीं मिलने को, बोलता हमारे काम नहीं हुआ। ऐसा कोई शक नहीं हुआ कि कुछ ऐसा कोई कोई ऐसा कोई हरकत तो नहीं हुई ऐसी? नहीं यार कुछ नहीं किया, वो लेके उधरी में आके लटा दिया, कहा कि जा तू मर जाए जी अब कोई नहीं ढूंढ। अच्छा ऐसा बोला वहाँ पे? हाँ। क्या दुश्मनी क्या थी आप? और दुश्मनी में 5 साल से चल रही। 5 साल से? हाँ 5 साल पहले भी कुछ हुआ था क्या? हाँ बच्चों से तंग कर रहा है बच्चों के, कोई बच्चे को मारता है जी, कोई के मैं तीनों बच्चे को परेशान करता है, मारता है, गाड़ी देता है, चर्जी है, दशहरा है। आपने कंप्लेन की पुलिस? हाँ कंप्लेन 5 साल से दौड़ रहे हैं। 5 साल? हाँ उठाते हैं लोग, बंद करते हैं लोग, फिर जाता है उसका माँ बाप छोड़ा कर लाता है, उसका माँ बाप सारा मन चरा कर, उसका बाप के मैं बार बार 5 साल से उसका बाप का गोर पकड़ रहे हैं, मैं उसका बाप नहीं सुन रहा है। हाँ तो अभी तो उनको बंद किया है? हाँ बंद किया है, पहले भी बंद किया? पहले भी कई बार बंद हुआ है, 1 महीना जेल खट के आया। कॉम्प्रोमाइज आप करते थे? हाँ नहीं वो उनके मोहल्ले से कोई आते थे, बोलते थे कर दो हम जिम्मेवार हैं कुछ करेगा तो हम मतलब जिम्मेवार हैं कुछ करेगा तो मेरे को बोलना ये वो करके उनको बोलने जाते चुप हो जाते हैं लेके चले जाते हैं। फिर उसने वही काम करना है, वो छूट के यहाँ से जाएगा, फिर उसने कौन जिम्मेवार लिया वो भी गायब हो, और जिस ये या तो वही काम करता था। एक बार डीएसपी आए थे उधर तो एक बंदा उधर बैठा है अभी सरदार जी है, वो जिम्मेवार दस्तखत किए थे साइन किए थे कि हम इसका जिम्मेवार है, नहीं करेगा आज के बाद, आज के बाद नहीं करेगा। अब महीना नहीं हुआ, महीना के बाद फिर मेरे को तंग करने लगा। हाँ वो साइन करके आया, मैं अपना जिम्मेवार को छुड़ा के लाए थे, बोला कि हम ले जा रहे हैं। हाँ। छोड़ दो अभी तो मैं जिम्मेवार हूँ, तो फिर उसके बाद फिर हरकत वही करने लगा वो। एक दो चीज लेके आता है, कभी कभी लेके आएगा, कभी पेट्रोल लेके आएगा, मुंह खराब कर दूंगे, शरीर खराब कर दूंगे, कभी कुछ लेके आएगा, बच्चों लोग को धमकी देता है, मैं पूरा दिन काम करो, हम लोग दोनों मियां बीवी करते हैं, और घर में जाकर बच्चों को धमकी देता है। देख सकते हैं कि ये बयान है, और पुलिस जो है अपना काम कर रही है, पुलिस देख रही है कि क्या यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं या नहीं, और देख सकते हैं कि पुलिस तो अपना काम कर सकती है, पुलिस को हम जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस का काम है, और पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ही ये कह रहे हैं कि यहीं से इनको उठाया गया था, लेके जाता है कभी कुछ लेके जाता है कि मैं मुंह खराब कर दूंगा ये खराब कर दूंगा, हम लोग दुखी हो गए लड़का। लेकिन आपको क्यों उठाया उन्होंने? मैं मारा है, मैं दबोड़ते है ना, दबती नहीं है ना, मैं दबती नहीं है, उसको पंगा ले लेती है इसीलिए कि ये रहेगी न ये पंगा लेगी मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मेरा रास्ता वो साफ करेगा, मैं साफ करके रखूंगी। उसका बाप के मैं गोड़ पकड़ लिए हैं भैया, इसका के शाम हो
बाप जब 5-5 सौ का नोट देता है उस गाड़ी का आ रहता है टीका देने खातिर नशे करने खातिर। बाप माता के यह नियम है कि बाप माता के नियम है कि इनको लड़कों के संभालो बच्चों के संभालने वाले। आप ये कह रहे हैं कि घर वाले उसके मतलब जब खुद ही देते हैं। हाँ घर वाला खुद मिलेगी। किसका घर वाला ऐसा करता है? उसका बाप करता है। हाँ उसका बाप करता है। आप कहाँ से हैं ऐसे रहने वाले? मैं बिहार के रहने वाले हैं। कौन से जिले से? हाँ कौन सा जिला? हम लोग छपरा के। छपरा से? हाँ। तो आप कितना समय यहाँ पर हुआ? मेरा 20-25 साल हो गए। 20-25 साल यहीं पर इसी एरिया में? हाँ। तो मतलब कहाँ कहाँ पर रहे आप? किराए पे रहते हैं? अपना घर है उसका चलते मैं 3 कमरा खाली किया है। अच्छा। 2 कमरा खाली करके चौथ का कमरा में इधर आए। ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ये बयान थे, दोनों बयान हमने लिए हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है उस स्पॉट पर है जिस स्पॉट पर जो है इनको उठाया गया था, और यहाँ से उठाकर जो है इनको तवी में जो है इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं कि इनके मुताबिक जो है इनको यहाँ से उठाया गया और यहाँ पे जो है तवी में जो है बांध कर जो इनको छोड़ा गया, और वहाँ पर जो है कूड़े जो है साफ करने वाले हैं उन्होंने आकर खोला, ऐसा इनका महिला का कहना है। अभी पक्ष एक तरफ का पक्ष है ये, और मीडिया का काम जो है दोनों पक्ष दिखाना होता है। एक पक्ष हमने दिखाया और दूसरा पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरे पक्ष का कहना क्या है और दूसरा पक्ष कहता क्या है। आप बने रहे चैनल वन के साथ। फिलहाल दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल वन के लिए। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल वन प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 7006444869।